गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, आज मैं हिंदी व्याकरण से पांचवा चैप्टर संज्ञा आपको पढ़ाऊंगी। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि संज्ञा क्या होती है। आपने देखा होगा बच्चों कि आपके आसपास या आपके चारों ओर हर चीज का नाम होता है। जैसे आपका नाम है, आपके भाई बहनों का भी नाम होगा, है ना। और आपकी जो चीजें हैं, चाहे वो खिलौने हो, है ना, तो उनका भी नाम होता है। सब्जियों के भी नाम होते हैं और जो एनिमल्स होते हैं उनके भी नाम होते हैं, है ना। तो और या फिर स्थानों के भी नाम होते हैं। तो इन सभी नामों को ही हम लोग व्याकरण में संज्ञा बोलते हैं। अब आपकी बुक से मैं आपको समझाती हूँ, यानी कहने का मतलब ये है कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या मन के भाव को हम संज्ञा बोलते हैं। ठीक है, अब आइए अपनी बुक, आपकी बुक से बताते हैं कि इसमें क्या है। यहाँ पर एक चित्र दिया है, उसके माध्यम से बताया गया है कि संज्ञा क्या होती है। बगीचे में पेड़ पर आम लगे हैं, हरी हरी घास है, फूल भी खिले हैं। अमित और सुधा, यानी यहाँ दो बच्चे हैं, अमित और सुधा, वो फूल तोड़ रहे हैं। माली उन्हें फूल तोड़ने के लिए मना कर रहा है और जब वो नहीं मानते हैं तो माली को क्रोध यानी गुस्सा आता है। इस प्रकार इस चित्र में ये बताया गया है कि कुछ शब्द हमारे सामने आते हैं और इन शब्दों के कुछ नाम हैं, जैसे माली, अमित, सुधा, पेड़, आम, घास, फूल और क्रोध। अमित तथा सुधा जो हैं वो बच्चों के नाम हैं, यानी किसी व्यक्ति के नाम हैं। बगीचा स्थान का नाम है और फूल और आम वस्तुओं के नाम है, यानी ये चीजें हैं, है ना। माली का क्रोध यानी कि उसके मन का भाव है। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति, प्राणी, स्थान, वस्तु या फिर मन के भाव को हम संज्ञा बोलते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए पीछे सबके अलग अलग नाम आपको बताए गए हैं। अब जैसे प्राणियों के नाम में पहले कल्पना चावला का नाम दिया गया है, यानी कि वो व्यक्ति है। फिर मोर है, पक्षी है, फिर शेर है, वो जानवर है, यानी सभी के नाम हैं। इसके बाद स्थानों के नाम दिए गए हैं, जैसे बगीचा है एक स्थान का नाम है, पाठशाला। फिर वस्तुओं के नाम दिए हैं, जैसे कंप्यूटर है, पुस्तक है, बल्ला और गेंद है, पलंग है, ये सब चीजें हैं या वस्तुएं हैं। इमारतों के नाम दिए गए हैं, जैसे कुतुब मीनार है, ताजमहल है, इंडिया गेट है, है ना। इसके बाद भावों के नाम है, यानी मन के जो भाव होते हैं उनके भी नाम होते हैं, जैसे सुंदरता, लंबाई, यानी किसी गुण, दोष, अवस्था, इनके नाम जो है वो मन के भाव कहलाते हैं। अब गर्मी, हंसी, है ना, ये जो है वो मन के भाव हैं या भावों के नाम हैं। समझ में आया बच्चों, जब हम किसी भी सभी चीजों के नाम होते हैं, अगर किसी चीज का नाम नहीं होगा तो वो संज्ञा नहीं होगी और ना हम उसे पहचान पाएंगे कि ये क्या है, है ना। आपको भी पता हो, जैसे मान लीजिए किसी चीज का नाम है तो आप जान ही नहीं पाएंगे कि ये क्या चीज है, है ना। इसलिए सभी चीजों के नाम दिए गए हैं और यही नाम जो है वो संज्ञा कहलाते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ संज्ञा कितने प्रकार की होती है। संज्ञा तीन प्रकार की होती है, एक तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरी जातिवाचक संज्ञा और तीसरी भाववाचक संज्ञा। यानी संज्ञा के तीन प्रकार, तीन या फिर तीन रूप होते हैं या तीन भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा जो होती है वो किसी विशेष व्यक्ति के बारे में, किसी प्राणी विशेष के बारे में, किसी वस्तु विशेष के बारे में या फिर किसी स्थान विशेष के बारे में हमें बताती है। जैसे किसी व्यक्ति विशेष के बारे में, अगर मान लीजिए मदर टेरेसा, हम गांधी जी का नाम लें, गांधी जी, है ना, या फिर मोबाइल कंप्यूटर का नाम लें, कौन सा कंप्यूटर, लिनोवो का है या सोनी का है, है ना। फिर किसी इमारत का नाम ताजमहल, है ना, तो ये सभी जो है विशेष नाम कहलाते हैं। तो इन्हें हम सब व्यक्तिवाचक संज्ञा में रखेंगे। इसके अलावा भी नाम होते हैं, जैसे दिनों के नाम होंगे, महीनों के नाम होंगे या फिर शहरों के नाम होंगे या फिर किसी देश के नाम होंगे या किसी न्यूज़पेपर के नाम होंगे, तो उन्हें भी हम व्यक्तिवाचक विशेष में, व्यक्तिवाचक संज्ञा में रखेंगे, क्योंकि वो विशेष नाम के अंतर्गत आते हैं, इसलिए उन्हें हम व्यक्तिवाचक संज्ञा में रखते हैं।
इसके बाद आता है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक में जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत क्या होता है, एक ही जाति के सभी व्यक्ति, सभी वस्तुएं या सभी स्थान का बोध होता है, यानी स्थान के बारे में हमें पता चलता है, तो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अगर मैं लड़की बोलूं तो सारी लड़कियां उसमें आ जाएंगी। अगर मैं स्पेशल नाम बोलूं कनिका, तो वो एक अलग लड़की विशेष हो जाएगी, है ना। तो जब मैं सब लड़कियों के बारे में बात कर रही हूँ तो वो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। या फिर मैं किताबों के बारे में बात करूं, अगर मैं आपकी स्पेशल हिंदी व्याकरण की बात करूं तो एक स्पेशल किताब हो गई, विशेष किताब हो गई, तो वो आपकी व्यक्तिवाचक में चली जाएगी, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगी, है ना। और अगर मैं सब कह दूं सारी किताबें, है ना, अगर मैं एक बच्चे से बोलूं कि जाइए आप अपनी हिंदी की बुक लेके आइए या हिंदी ग्रामर की बुक लाइए, तो वो एक स्पेशल चीज हो गई या स्पेशल वस्तु है, तो उसका नाम हम व्यक्तिवाचक में रखेंगे। अगर मैं कहूं वहां पर किताबें रखी हैं, सारी किताबें उठा लाओ, तो उसमें सारी किताबें आएंगी, चाहे वहां पर मैथ की रखी हो चाहे इंग्लिश की रखी हो, वो सारी किताबें उसमें आ जाएंगी, तो वो स्पेशल जाति की बात हो जाएगी, यानी किसी वस्तु विशेष की, वस्तु जाति की बात हो जाएगी। फिर इसके बाद मंदिर अगर मैं बोलूं तो मंदिर में सारे मंदिर आ जाएंगे। अगर मैं बोलूंगी कमला मंदिर तो एक अलग पहचान बनेगी। तो जब सारे मंदिरों की बात हुई तो यानी कि संपूर्ण जाति की बात हो गई, तो उसे हम जातिवाचक संज्ञा में रखते हैं। फिर इसके बाद आता है, ऐसे ही सभी चीजें आएंगी, जैसे फूल हैं, फूलों के भी अलग अलग नाम होते हैं, लेकिन अगर हम केवल फूल बोलेंगे तो वो जातिवाचक संज्ञा में आएगा। फिर इसके बाद आता है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत किसी गुण, दोष, अवस्था और भाव का हमें जब पता चलता है तो उसे हम भाववाचक संज्ञा में रखते हैं, जैसे बुढ़ापा, मिठास, दोस्ती, मित्रता, ईमानदारी, बचपन, वीरता, इन सबको हम लोग, या खटास, इन सबको हम लोग बच्चों भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। तो आपको पता चला संज्ञा किसे बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या मन के भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, लेकिन संज्ञा को हम लोग अलग अलग भागों में भी बांटते हैं। जब किसी विशेष जाति या विशेष व्यक्ति के बारे में बात होगी तो, या विशेष वस्तु के बारे में बात होगी या किसी विशेष स्थान के बारे में बात होगी, तो उसे हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा में रखेंगे। जब हम संपूर्ण व्यक्ति जाति की बात करेंगे तो उसे हम लोग जातिवाचक संज्ञा में रखेंगे, या किसी या सारी वस्तुओं के बारे में बात करेंगे या सारे स्थानों के बारे में बात करेंगे तो उसे हम लोग जातिवाचक संज्ञा में रखेंगे। और भाववाचक यानी कि कोई दोस्ती या मन के जो भाव होते हैं, लंबाई है, मिठास है, खटाई है, ये सब हम लोग किसमें रखेंगे, भाववाचक संज्ञा। बच्चों अब आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा कि संज्ञा क्या होती है और उसके भेद क्या होते हैं, है ना। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से बताती हूँ कि संज्ञा क्या होगी, यानी आप संज्ञा को कैसे पहचानेंगे। अब यहाँ पर देखिए, मैंने एक सेंटेंस लिखा है, नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं, है ना। इसमें दो चीजें आई हैं, एक तो उनका नाम आया है, नाम आया है मतलब एक पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम है, यानी विशेष व्यक्ति का नाम है। तो जब नाम आएगा तो संज्ञा होगी, है ना, मैंने आपको बताया किसी व्यक्ति का नाम, ठीक है। फिर भारत भी आया है तो भारत एक देश का नाम है, यानी स्थान विशेष का नाम है। जब नाम विशेष आएंगे तो कौन सी संज्ञा होगी, व्यक्तिवाचक। तो इसमें दो संज्ञाएं हैं, एक तो पहली नरेंद्र मोदी क्योंकि वो नाम है, और दूसरा भारत क्योंकि वो देश का नाम है। तो ये दोनों संज्ञा है, लेकिन ये किस संज्ञा में रखी जाएंगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा में इसको हम रखेंगे, क्योंकि जो भी स्थान या किसी व्यक्ति का नाम आ रहा है, मैंने आपको बताया था किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी भी स्थान का नाम, किसी भी वस्तु का नाम या किसी भी भाव का नाम अगर आता है तो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर नाम व्यक्ति का भी नाम है और यहाँ पर एक देश का भी नाम है, और नाम बताया गया है इसलिए इसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा में रखेंगे। अगर ऐसा कहा जाए कि आप संज्ञाओं को अलग अलग कर दें, अगर केवल ये कहा जाता है कि आप संज्ञा छांटिए तो केवल आप संज्ञा छांट दीजिए, अगर ये कहा जाए कि हर संज्ञा को अलग अलग रखिए, यानी जातिवाचक संज्ञा कौन सी है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है या भाववाचक संज्ञा कौन सी है, तब आप अलग अलग
करेंगे। इसके बाद देखिए, अध्यापिका ने पुस्तकें बांटी। अब अध्यापिका पूरी, इसमें सारी अध्यापिकाएं आएंगी, चाहे वो किसी के स्कूल की, यानी पूरी अध्यापक जाति का इसके अंतर्गत बोध हो रहा है। एक व्यक्ति का नाम नहीं है, अगर नाम होता तो ये व्यक्तिवाची संज्ञा हो जाती। अब चूंकि ये अध्यापक, संपूर्ण अध्यापक जाति के बारे में बात हो रही है, तो ये अध्यापिका चूंकि संज्ञा है, लेकिन इसका अगर हम इसको किसी भाग में रखेंगे, यानी संज्ञा के भेद में रखेंगे, तो हम किस में रखेंगे, जातिवाचक संज्ञा में रखेंगे, क्योंकि ये संपूर्ण अध्यापक जाति का बोध करा रहा है ये शब्द। फिर इसके बाद पुस्तकें, ऐसा ही पुस्तकों के लिए भी है, पुस्तकें, सारी पुस्तकें इसमें शामिल है, यानी पुस्तकों की पूरी जाति के विषय में बात हुई है, तो इसे हम इन दोनों को जातिवाचक संज्ञा में लेंगे। फिर इसके बाद मैं कल मुंबई जाऊंगा। अब मुंबई एक शहर का नाम दे दिया गया, अगर मैं केवल शहर लिखती कल मैं शहर जाऊंगा तो क्या होता, तो उसे हम जातिवाचक संज्ञा समझते, लेकिन ये चूंकि अब नाम भी दिया है तो इसे व्यक्तिवाचक संज्ञा में हम रखेंगे। क्योंकि एक शहर का नाम है, मैंने बताया जितने भी नाम होंगे, चाहे वो व्यक्ति के हो, चाहे वस्तु के हो, चाहे स्थान के हो, या फिर किसी भाव के हो, उसे हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा में रखेंगे। और जब नाम नहीं दिया जाएगा, यानी संपूर्ण जाति की बोध कराया जाएगा, तो उसे हम जातिवाचक संज्ञा में रखेंगे। ठीक है, अब तीसरा सेंटेंस देखिए, वह रोटी खा रहा है। अब रोटी क्योंकि एक वस्तु का नाम है और इसमें संपूर्ण रोटी जाति की बात हुई है, चाहे वो कोई सी रोटी, चाहे मिस्सी रोटी हो, चाहे नान रोटी हो, चाहे प्लेन रोटी हो, है ना, तो इसलिए इसे हम रोटी को जातिवाचक संज्ञा में रखेंगे। मैंने साथ साथ संज्ञा बताने के साथ साथ आपको ये भी बताया है कि संज्ञा के भेद में कौन कौन सी संज्ञाएं आती हैं, ये सेंटेंस उन्हीं का ही उदाहरण है। इसके बाद रस में मिठास है, मिठास चूंकि एक भाव है ना, तो इसे हम भाववाचक संज्ञा में रखेंगे। अलग अलग अगर कभी करना है, भेदों में लिखना है, यानी ये कौन सी संज्ञा है, तब आप इसे भाववाचक संज्ञा में रखेंगे। इसके बाद एकता में बल है, एकता को भी हम लोग भाव में रखेंगे। जब मैंने आपको बताया था कि गुण, दोष, अवस्था, ये सब भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। फिर हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए आपको कुछ शब्द दिए जाए, ये तो मैंने लिख दिया है, यहाँ पर छोटा लिखा है, इसके बाद ब्लैंक था, है ना, तो छोटा के आगे आपको ये विशेषण शब्द है, विशेषण जब अभी आगे आएगा तब मैं आपको पढ़ाऊंगी, उसमें छोटा लिखा है, छोटा के आगे अगर ये दिया गया है कि शब्दों के सामने उचित संज्ञा लिखी, और मैंने केवल इतना लिखा छोटा, फिर उसके आगे आपको एक शब्द ढूंढना, तो छोटा क्या, छोटा कोट भी हो सकता है, छोटा पैंट भी हो सकता है, छोटा भाई भी हो सकता है, क्योंकि संज्ञा है तो हम लोग इसको कोई भी शब्द इसमें भर सकते हैं। फिर इसके बाद आता है मीठा, मीठा क्या हो सकता है, आम हो सकता है, गन्ना हो सकता है, यानी किसी, हमें यहाँ पर किसी भी चीज का नाम, किसी भी व्यक्ति का नाम या किसी वस्तु का नाम, है ना, ये लिखना है। तो फिर इसके बाद आता है लंबा, लंबा कौन हो सकता है, आदमी भी हो सकता है, पशु भी हो सकता है, जैसे जिराफ बहुत लंबा होता है, तो उसे हम लिख सकते हैं। यानी हमें केवल यहाँ पर संज्ञा से बने हुए शब्द लिखने या संज्ञा लिखनी है। संज्ञा किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, किसी वस्तु का नाम हो सकता है, किसी भाव का नाम हो सकता है ना, तो इसलिए आपको वहां पर एक शब्द लिखना है। फिर इसके बाद आता है प्यारा, प्यारा कुछ भी हो सकता है, प्यारा खिलौना भी हो सकता है, प्यारा भाई भी हो सकता है ना, तो यहाँ पर हमें वो शब्द संज्ञा लिखनी है। मेरे ख्याल से अब आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि संज्ञा किसे कहते हैं और संज्ञा के कौन कौन से प्रकार होते हैं और उन प्रकारों में कौन कौन सी संज्ञाएं आती हैं। एक बार आप खुद भी पढ़ेंगे तो ढंग से और समझ में आएगा। बच्चों इसके बाद जो बुक एक्सरसाइज है वो केवल आप बुक में ही करेंगे, प्रश्न उत्तर मैं आपको दूंगी वो फेयर कॉपी में करेंगे।